वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको आंवले का टेस्टी अचार बनाना बताऊंगी, जो खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता ही है, साथ ही साथ हम इसे 2-3 महीने तक जो है सेफ रख सकते हैं। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है आंवले के अचार को सेफ रखने के लिए, तो आप ये मेरे वीडियो में देखेंगे, तो आप मेरा वीडियो पूरा वॉच करें। तो आइए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 9-10 आंवले लिए हैं, इनको मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इस तरह हमें बिना दाग वाले आंवले लेने हैं, जिससे अचार जो है ज्यादा समय तक टिकता है, खराब नहीं होता है। आंवले को मैंने वॉश कर लिया है, तो अब हमें इसको कुकर में पकाना है। आंवले को पकाने के लिए गैस पे मैंने कुकर रख दिया है, गैस को कर देंगे ऑन और इसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैं 1 कप पानी ऐड करूंगी और पानी गर्म हो जाए फिर हम इसमें आंवले ऐड करते हैं। गैस को हमें फुल फ्लेम पे रखना है। पानी गर्म हो गया है तो चलिए अब हम इसमें आंवले ऐड कर देते हैं। इस तरह सभी आंवले को हम कुकर में ऐड कर देंगे। कुकर को अब हम बंद कर देते हैं। 3 विसल आने तक हमें इसको पकाना है, बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा होने देंगे। आंवले को मैंने कुकर से बाहर निकाल लिया है और उसका जो पानी था वो मैंने हटा दिया। अब जो है आंवले जो है हमारे ठंडे हो गए हैं। चलिए इनमें से जो है इसके अंदर का जो बीज है वो हम निकाल लेते हैं। इस तरह हाथ से प्रेस करते हैं, निकल जाते हैं। देखिए इस तरह जो आंवले की कलियां है इसको हम अलग कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाती है, आप देख सकते हैं। आंवला खाने में बहुत टेस्टी लगता है, साथ ही साथ ये बहुत गुणकारी भी है। आंवले में विटामिन सी होता है और इसमें जो आयरन होता है वो भी भरपूर मात्रा में होता है, तो हमें खूब आंवले खाने चाहिए। सभी आंवले की मैंने कलियां निकाल दी है, तो चलिए अब हम अचार बनाते हैं। अचार बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन रखा है और 1 कप मैंने तेल इसमें ऐड किया है। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है और तेल को अच्छा गर्म होने देना है। तेल गरम होने लग गया है तो इस पे अब हम सौंफ डालेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ग्रीन सौंफ ली है, वो हम इसमें ऐड करूंगी। गैस के फ्लेम को हम कम कर देते हैं। पर लिया काला जीरा, वो भी इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लिए हींग, वो भी हम इसमें डालेंगे, इससे जो है फ्लेवर अच्छा आता है, अचार खाने में टेस्टी बनता है। अब जो आंवले लिए वो इसमें हम ऐड कर देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। एक बार हिला देंगे, गैस की फ्लेम को हम फुल कर देते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमें इसको इसी में ही पकाना है, ताकि इसमें जो पानी का रेशा जो है वो हट जाए, जिससे जो है आंवला हमारा काफी लंबे समय तक चलेगा, अचार खराब नहीं होगा, इस बात का आप खास ध्यान दें। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है, वो इसमें हम ऐड करेंगे, आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन सौंफ, इसको मैंने अधकचरा कर लिया था, ये हम डालेंगे, इससे मसाला जो है अच्छा बनता है। 1 टीस्पून हम यहाँ पर लेंगे हल्दी पाउडर, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है काला नमक, 1 टीस्पून वो हम इसमें ऐड करेंगे, इससे भी जो है अचार खाने में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा इसको अब हम ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि अभी से हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे तो वो जल जाएगी और कलर भी जो है अच्छा नहीं आएगा। अचार जो है थोड़ा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम लाल मिर्च ऐड करते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो इसमें हम ऐड करेंगे और मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अचार को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको अब एक बाउल में सर्व करेंगे। अचार को मैंने सर्व कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना टेस्ट और यम्मी अचार बनकर हमारा तैयार हुआ है।
आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। इस अचार को आप फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं और चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये अचार 2-3 महीने तक खराब नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वो ये है कि अचार को सेफ रखने के लिए इसको तेल में पूरा डुबो के रखना है। गीला चम्मच हमें यूज में नहीं लेना है और जिस बर्तन में डाले वो बर्तन कांच का हो। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो अचार जो है आपका लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये अचार कब बना रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।